नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टुडे ज्ञान में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान LDC की पूरी आंसर की, 150 प्रश्नों के आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पे सबसे पहले मैं आपके लिए 150 प्रश्नों के आंसर लेके आया हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटे वाला बटन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका, एक बात पहले ही बता दूं, इसमें आपके जो अलग अलग सेट है उसमें क्वेश्चन आपके आगे पीछे हैं, तो वो मिला लेना और साथ में उसके जो आंसर है वो भी आगे पीछे हैं। जैसे ये मिथेन आपका डी ऑप्शन है इस सेट में, तो आपको किसी में सी में मिल जाएगा तो किसी में बी में मिल जाएगा, तो वो अच्छे से चेक कर लेना। तो ये देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो मिथेन, मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूं। दूसरे में आपका जो है बेकेलाइट हो जाएगा, तीसरे में आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा या पेंट वन आइन फोर इन, चौथा जो है अभी कंफर्म नहीं है। देखिए, जो कंफर्म नहीं है वो मैं एक बार छोड़ रहा हूं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करके बता दूंगा। और जिसका भी आपको प्रश्न का जो आंसर पता है वो कमेंट कर देना। पांचवे में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, छठे में आपका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा बढ़ता है, सातवें में आपका जो है ये आपको जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, आप चेक कर लेना। आठवें में आपका देखिए अभी कुछ ही कंफर्म नहीं है इसमें, तो इसका जो आप आंसर कमेंट कर देना। नौ नंबर ये आपका भुजा चूना हो जाएगा। दस नंबर जो आपका वो है दिए गए सभी विकल्प, इसमें ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ग्यारहवें में आपका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा किसी आक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए। बारहवें में आपका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा दूधिया। तेरहवें में आपका जो है देखिए यहां से डी ऑप्शन हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। चौदहवें में आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा विशोषण। पंद्रहवें में आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा 1 किलोवाट। और देखिए यहाँ से 15 हो गए आपके। 16 में हम बात करें तो आपका 3 फीट जो है आंसर हो जाएगा। 17 में हम बात करें तो देखिए 17 में आपका जो है सी ऑप्शन होगा, वह एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है। 18 में आपका जो है देखिए इसमें कंफर्म नहीं है, ए और सी में डाउट है, ये दो तो नहीं होंगे, ए और सी में डाउट है, तो आप इसका जो है सही आंसर कमेंट कर देना। 18 का हो गया। 19 की हम बात करें तो आपका जो है 34 डिग्री होगा। 20 की हम बात करें तो देखिए इसमें भी जो आपका थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका जो मेरे हिसाब से 8 सेंटीमीटर जो है होगा। 21 का देखिए यहाँ से 21 में जो है यहाँ पे इसमें आपका जो है बी ऑप्शन होना चाहिए, तो आप सी भी हो सकता है, इस दो को चेक कर लेना एक बार। तो 22 में आपका देखिए बी ऑप्शन होगा, 22 में बी ऑप्शन होगा, तो ये चेक कर लेना। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ एक साथ में। ये आपका 22 नंबर है, इसमें ये होगा। 23 नंबर में आपका जो है आधे चक्र में हो जाएगा, ये सी आंसर आपका होगा। 24 में आपका जो है इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, 24 में इसको आप मिला लेना। 25 में आपका जो है प्राइमरी सेल होगा, ठीक है। 26 में आपका जो है कन्फर्म, देखिए 26 में गूगल के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन बता रहा है गूगल, या फिर इसका डी ऑप्शन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू गूगल आपका जो है ए आंसर सही है। 27 की हम बात करें तो इसमें सी या डी में से होगा, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। 28 की हम बात करें तो इसमें ए ऑप्शन होगा पीला। 29 की हम बात करें तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन होगा कन्फर्म। 30 में आपका जो है डी ऑप्शन होगा URL। 31 की हम बात करें तो आपका जो है डी ऑप्शन होगा सीरियल। 32 की हम बात करें तो आपका बी ऑप्शन होगा एपिक। 33 की हम बात करें तो आपका डी ऑप्शन होगा विक्रम अंबालाल साराभाई। 42 की हम बात करें तो आपका सी होगा अनुवांशिक रूपांतरित जीव। 43 में आपका जो है सी ऑप्शन होगा टाइफाइड। 44 में आपका जो है इंसुलिन। 45 में आपका जो है सवाल होगा सी ऑप्शन। 46 में आपका जो है इसमें से देखिए आपका कंफर्म नहीं है ए और बी में से कौन सा आंसर होगा, तो आप कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। वीडियो सबसे पहले लेके आया हूं सभी जो आपके 150 प्रश्न है उनकी आंसर की। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो सबसे स्टिक आंसर है, उसमें कोई गलती नहीं मिलेगी, एक दो क्वेश्चन आपका जो है गलत हो सकता है। देखिए 47 में आपका जो है एलील होगा। 48 में आपका जो है मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित होता है, तो XX और XY पे ये जो है निर्धारण होता है। 49 की हम बात करें तो आपका सी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण से। 50 की हम बात करें तो आपका
ऑप्शन बी, ये सभी आपका जो है उत्तर हो जाएगा। आरएच रोग के क्या लक्षण है, तो ये सभी हो जाएंगे, 50 हो चुके हैं आपके। और देखिए 34 नंबर में यहाँ पे आप देखें तो आपका बी ऑप्शन होगा, 35 नंबर में आपका जो है ए ऑप्शन होगा ग्लोबल स्टार, 36 में आपका सुदूर संवेदन जो है सही आंसर होगा, 37 में आपका जो है हाइड्रोजन होगा, 38 में आपका जो है डी ऑप्शन होगा पारिस्थितिकी, 39 में आपका जो है एनीमिया होगा, 40 में आपका जो है 1953 होगा। देखिए बहुत सारे लोगों को 1963 होगा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आपका सही आंसर जो है 1953, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ से होगा 41 नंबर में जो आपका हार्मोन्स होगा सी ऑप्शन, तो यहाँ से देखिए 51 नंबर में आपका सी ऑप्शन होगा, 52 में आपका जो है ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू माइनस 3 होगा, 53 में आपका ए ऑप्शन होगा 10 एंड 14। देखिए मैथ के जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मैंने खुद इसको पर्सनली सॉल्व किया है। अगला जो 54 में आपका जो है इसमें आपका ए ऑप्शन होगा 122 डिग्री, 55 में आपका जो है डी ऑप्शन होगा पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू बाई 100, यहाँ पे ब्रेक के बाहर आपका जो है प्रतिशत आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 56 में आपका डी ऑप्शन होगा 2857 में आपका 50% होगा। और जिसका देखिए यदि आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं मैथ का तो मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपको जो है अलग से वीडियो बना के दूंगा पूरा इसका सॉल्यूशन के साथ। 58 की हम बात करें तो ए ऑप्शन होगा 12, 59 की हम बात करें तो आपका ए ऑप्शन होगा 17500 और 12500। देखिए 60 की हम बात करें तो यहाँ पे 4:9 होगा, इसका सिर्फ सीधा आपको स्क्वेयर करना है और कुछ नहीं है। 61 की हम बात करें तो 4851 होगा, 62 की हम बात करें तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 63 की हम बात करें तो इसमें जो है आपका 80 होगा, 64 की हम बात करें तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, तो यहां से 65 की हम बात करें तो इसमें ए ऑप्शन ए होगा 0 और 2। आपका 66 की हम बात करें तो ए ऑप्शन होगा 3, इसमें क्या करना है सिर्फ डायरेक्ट जो है ए की जगह आपको ये देखिए ए की जगह 3 रखना है, बी की जगह 5 रखना है, सी की जगह 7 रखना है और इसको जो है 15/5 हो जाएगा, तो इसको 3 आपका जो सही आंसर आ जाएगा। 67 की हम बात करें तो 184 इसमें होगा, क्या करना आपको देखिए 20 का स्क्वेयर करके और इसको 6√6 जो आपके हैं इसको जो है इसमें से माइनस करना है, तो ये आपका सी आंसर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया। 68 की बात करें तो इसमें 16 हो जाएगा, 69 की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पे बात करें हम 70 की बात करें तो 0 हो जाएगा, 71 की हम बात करें तो 10000 हो जाएगा, 72 की हम बात करें तो 3.68 होगा, 73 की हम बात करें तो 22/1/2 आपका जो सही आंसर होगा, 74 की हम बात करें तो 9.6 होगा यानी 9.6, 75 में आपका जो है 27 होगा, 76 में आपका जो है 70.8 होगा करोड़, 77 की हम बात करें तो 45 डिग्री होगा, 78 की हम बात करें तो 36 डिग्री होगा, 79 की हम बात करें तो पाई मीटर पर मीटर होगा, 80 की हम बात करें तो 0 होगा, 81 की हम बात करें तो 4 और 4 यानी 4 और 4 होगा ए ऑप्शन, 82 की हम बात करें तो सी ऑप्शन होगा 1:1, 83 की हम बात करें तो 56 डिग्री होगा, 84 की हम बात करें तो 6 होगा ऑप्शन डी, 85 की हम बात करें तो आपका डी ऑप्शन होगा 42 सेंटीमीटर, 86 की हम बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगला जो है आपका 87 में आपका बी ऑप्शन होगा 7, 88 में आपका ऑप्शन बी होगा -2 और आपका 0 यानी 0, 89 की हम बात करें तो 54% होगा, 90 की हम बात करें तो 15 वर्ष में होगा, 91 की हम बात करें तो 3 माह होगा, 3 माह बाद जो है वो शामिल हुआ था,
92 की हम बात करें तो दो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। 93 की हम बात करें तो ये हमने एक बार छोड़ दिया है, इसका कंफर्म नहीं, आपको पता हो तो आप कमेंट कर देना। 94 की हम बात करें तो आपका ए ऑप्शन होगा 2500 5025। तो 95 की हम बात करें तो आपका ऑप्शन ए होगा 95 का जो है इसका क्यूब करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। 96 की हम बात करें तो ऑप्शन डी होगा 20। 97 की हम बात करें तो आपका जो ऑप्शन डी होगा 2:1। 98 वाला एक बार हमने छोड़ दिया है, 99 का भी एक बार छोड़ दिया है, 100 यानी 100 का आपका होगा 143। देखिए यहाँ पे तीन गुणक होंगे लगातार 130 143 और 156, इसको हम योग करेंगे तो 390 आ जाएगा और जिसका जो है मिडल वाला हो जाएगा 143। 100 की ये आपका हो गया। 101 की बात करें तो आप देखिए आपका राजस्थान जी के आ चुका है, कोटा डी ऑप्शन होगा। 102 की हम बात करें तो इसमें यह जैस्पर सिसा और जस्ता और ये आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा। 103 की हम बात करें तो देखिए मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, बाकी आप कमेंट करके बताना ए और बी में डाउटफुल है। 104 की हम बात करें तो आपका जो है ऑप्शन इसमें भी डाउटफुल है, तो इसको भी आप जो है कन्फर्म बता देना जिसको पता हो। 105 का हमने छोड़ दिया है एक बार, 106 का भी छोड़ दिया है, 107 और 108 में आपका जो हो जाएगा दूध ऑप्शन डी हो जाएगा, 109 में आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा हेमाटाइट, 110 में आपका जो है 15 राज्यों में हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 देखिए यहाँ पे थोड़ा हा एक सेकंड, यहाँ से सीधा 110 से एक बार मैं बाद में बताऊंगा, 123 में इस वाले क्वेश्चन में आपका जो 1939 हो जाएगा, तो इसको चेक कर लेना। देखिए इसमें भी थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है तो इसको एक बार देख लेना इसमें क्या आएगा, सी या डी में कन्फर्म नहीं है तो आप चेक कर लेना कौन सा होगा इसमें भी आप, नहीं सॉरी आपका जो ऑप्शन सी या ए में आप जो है चेक कर लेना कौन सा होगा 124 में। 125 में आपका ऑप्शन ए होगा 73-74। 126 की हम बात करें तो ऑप्शन ए होगा, आप मिला लेना इनको, 126 आपका हो गया। 127 की हम बात करें तो ऑप्शन जो है डी होगा सलेमाबाद में। 128 की हम बात करें तो आपका ए ऑप्शन होगा कान में। 129 की हम बात करें तो एक बार इसको मैंने छोड़ दिया है, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट कर देना। 130 की हम बात करें तो हनवंत सिंह आपका ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। तो 111 की हम बात करें तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए होगा 10 अप्रैल 2013। 112 की हम बात करें तो इसमें जो आपका उदयपुर हो जाएगा। 113 की हम बात करें तो आपका ए ऑप्शन होगा खेजड़ी ग्राम जोधपुर। 114 की हम बात करें तो आपका सांगवान जो है सही आंसर होगा। 115 की हम बात करें तो आपका ऑप्शन डी होगा बरखान बालू का स्तूप। 116 की हम बात करें तो देखिए इसमें कंफर्म नहीं है तो ये आप एक बार चेक कर लेना इसमें सी होगा या ए होगा तो आप कमेंट कर देना। 117 की हम बात करें तो ये भी कंफर्म नहीं है। 118 की हम बात करें तो 1994 तो 119 की हम बात करें तो ये आपका जो है 75:25 हो जाएगा। 120 की हम बात करें तो आपका ऑप्शन बी होगा ब्लू पाटरी। 121 की हम बात करें तो 2008 होगा तो ये आप चेक कर लेना। 122 में आपका कंफर्म नहीं है ये एक बार छोड़ रहे हैं हम। 131 की हम बात करें तो इसमें देखिए मालवी आपका सही आंसर होगा। 132 की हम बात करें तो बाटी आपका सही आंसर होगा। 133 की हम बात करें तो इसमें अजयराज डी ऑप्शन होगा। 134 की हम बात करें तो इसमें होगा दिवेर का युद्ध। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से एक सेकंड, ये 135 में आपका जो है ए ऑप्शन होगा प्रताप। 136 में आपका जो है सी ऑप्शन होगा। 137 में आपका जो है ए ऑप्शन होगा सूर्य। 137 हो गया। 138 में आपका ए ऑप्शन होगा टाटा। 139 में आपका ए ऑप्शन होगा 1999 से 2000। 140 में आपका जो है ए ऑप्शन होगा भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। 141 की हम बात करें तो इसमें ऑप्शन आपका बी होगा राजस्थान। 142 की हम बात करें तो इसमें होगा 51,000 रुपये। 143 की हम बात करें तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा भीलवाड़ा। 144 की हम बात करें तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा डी जयपुर।
इसमें हम बात करें 146 145 की हम बात करें तो आपका जो आंसर होगा कपास, ऑप्शन ए। 146 की हम बात करें तो इसमें जो आपका आंसर होगा स्किल विश्वविद्यालय सबसे पहले जो किसने शुरू किया है तो राजस्थान, ऑप्शन ए। 148 की हम बात करें तो इसमें 50,000 हो जाएगा। 149 की हम बात करें तो ओम प्रकाश मालव आपका सही आंसर होगा। 150 की हम बात करें तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी होगा भीलवाड़ा। तो निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है, भीलवाड़ा। तो ये मैंने आंसर आपको सभी बता दिए हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, और मेरे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।